ये देखिए ये गोभी है, फूल गोभी। तो ये पूरा एक फूल गोभी है, बड़ा है। इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। इसको मोटे ऊपर जो कवर रहता है ना, वो भी हमने छील के निकाल दिया जिससे सॉफ्ट हो जाए। और इसको एक पानी से हमने धो लिया है सिंपल। और यहाँ पे हमने बड़े बर्तन में पानी लिया है, साफ पानी जो हम पीने के काम में लाते हैं। इसको खौला लिया है, एक खौला गया है, गैस धीमी कर दी है। अब हम ये एक टीस्पून नमक डालेंगे और ये एक टीस्पून थोड़ा कम हम हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर हम इसलिए डालेंगे क्योंकि ये जो कीड़े वीड़े हों गोभी के वो मर जाएं। और नमक इसलिए डाला है कि हमारा जो ये गोभी है ये थोड़ा सॉफ्ट हो। और इनको हम डाल के एक खोल अच्छे से खौला लेंगे इस तरीके से। इतना पानी डालिए कि हमारी सारी गोभी उसमें डूब जाए। और इसको ढक्कन लगा के एक खोल आने देने के। ये देखिए ये खोल गए हैं और हम देखेंगे ये सॉफ्ट है कि नहीं। ये देखिए ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमको गैस बंद करके इसी में थोड़ी देर इसे रखे रहने देंगे। ये दो कटोरी हमारे चावल हैं और इसके लिए हमने तड़का लगाने के लिए कुकर में हमने दो बड़े चम्मच राई का तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल। उसमें हम जीरा डालेंगे और एक बड़ी इलायची है, दो छोटी इलायची हैं, दो लौंग है और ये थोड़ा सा जायफल है। इसको और थोड़ा सा ये लहसुन है हमारा लंबा कटा हुआ, इसको लाल करेंगे। जो गोभी थी इसका पानी हम छान लेंगे। लहसुन इस तरीके से इतना लाल हो गया है, हमें इतना ही ब्राउन करना है। और ये तीन से चार हरी मिर्च है ये काट के डालेंगे। ये एक थोड़ी सी हींग डाला है और ये चावल भी इसी समय हम ऐड कर देंगे। और हमें कुछ भी नहीं डालना है अभी, बस नमक डालना है जितना भी उस हिसाब से डालना है क्योंकि हमने गोभी में डाला है। और अब इसी समय हाफ बॉयल हम फ्लावर भी डाल देंगे। देखिए गोभी चावल सब मिला लिया है। अब इसमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा आधा लीटर डालना है क्योंकि हमारे दो कटोरी चावल है और गोभी हाफ बॉयल है और ऑलरेडी गोभी पानी छोड़ती है। तो हमें ध्यान से पानी का ध्यान रख के डालना है। बस ये आधा लीटर पानी मैंने डाला है, इतना काफ़ी होगा। ये हमने ढक्कन लगा दिया है और गैस को थोड़ा सा मध्यम करेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं रखेंगे ना ज़्यादा धीमी रखेंगे। और एक सीटी आने देंगे बस। चलिए देखते हैं गैस निकल गया है मेरा और ये बिल्कुल बनके रेडी है। ये देखिए परफेक्ट चावल भी हमारा बन गया है और फ्लावर भी बिल्कुल गल गए हैं। ये देखिए चावल और गोभी बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं जैसे हमें चाहिए थे। और रंग भी काफ़ी सुंदर आया हुआ है, ये देखिए नीचे तक परफेक्ट पके हुए हैं चावल। गार्निश के लिए हम थोड़ा सा और हरा धनिया डाल देंगे इस तरीके से। ये लीजिए आपका गोभी चावल बिल्कुल बन के रेडी है और देसी को इंग्रेडिएंट से बना है। बहुत ही अच्छा सादा सिंपल सोबर है। और ये हमारा बैंगन का भरता है और ये हमारा दही है। तो आप चाहे तो दही सादा खाइए चाहे रायता बना के, पर ये बहुत ही अच्छा लजीज एकदम सिंपल सादा खाना है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि भाई कैसा बना।
और हमारा मुझे मेरे प्रोत्साहन को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा जिससे नया वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाए। तो थैंक यू, एंड आज घर का खाना खाइए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।